तो आपको एक बात बताता हूँ, मेरे जो आज आरटीओ की ट्रायल है उस पर लिखा हुआ है कि मेरी यहाँ पे है आरटीओ जम्मू लिखा हुआ है। तो अब क्या कर रहे हैं ये, अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ 8 बजे, इसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ से मुझे भेज रहे हैं नगरोटा, पता नहीं कानपुर में। अब मेरी वहाँ ट्रायल है, ना किसी ने कुछ बताया हुआ है। ये सरासर यार ये बेकार चीज़ें करते हैं यार, कसम से। बंदा इतनी मुश्किल से यहाँ पहुँचता है, उसके बाद ये देखो टाइम इनका। चलो अब नगरोटा उधर जाके मिलते हैं। तो ये देखो ये आरटीओ है जो ये नरवाल के पास है। तो अभी इन्होंने क्या किया, मेरे को खज्जल किया हुआ है। इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया कि आपकी ट्रायल यहाँ पे होनी। तो अभी जस्ट रिसेंट मैं वो जो वीएफ के पास आरटीओ है जहाँ पे ट्रायल होती है, मैं वहाँ पहुँचा। जैसे ही वहाँ पहुँचा, आज ही दिन आज पूर्णिमा है, चलो हम दुखी नहीं होते हैं, पर इनको मेंशन करना चाहिए कहीं पे, तो बताना चाहिए ना कि आपकी ट्रायल वहाँ होगी, ना किसी ने बताया हुआ है। तो अब हुआ क्या कि अब मैं पहुँच गया था, जो एग्जैक्ट टाइम था, मैं 8 बजे ही पहुँचा, पहले नहीं पहुँच पाया। तो 8:35 जैसे ही पहुँचा, तो उसके बाद इन्होंने बोला कि अब आपकी ट्रायल यहाँ नहीं है, आपको जाना है नगरोटा। यार ये गलत बात नहीं है यार, आप बताओ यार, जम्मू में यार ये बड़ी गंदी चीज़ है यार। यहाँ पे कोई टाइम का, किसी की टाइम की कदर नहीं है, यहाँ पे हमेशा यही करते हैं यार। ये जल्दबाजी में पहुँचे हैं अभी सिदरा हाईवे, तो मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम है, ये गर्म हो जाती है ना, उसके बाद इसके गियर नहीं डलते। तो ये मैं सोच रहा हूँ नगरोटा जैसे ट्रायल के लिए पहुँच गया ना, जैसे मतलब पहुँच गया तो पता लगे उसके बाद इतनी गर्म हो गई कि गियर ही नहीं डल रहा। तो आई होप कि ऐसा ना हो और मुझे ट्रायल देने दें, क्योंकि इसमें मेरा कसूर नहीं है। जम्मू वालों ने ना बताया हुआ है, उन्होंने लिखा जम्मू आरटीओ, ठीक है, तो मैं पहुंच गया जहां पे आरटीओ है, तो अब उन्होंने स्कीम कर दी मेरे साथ। चलो अब देखते हैं, अभी सिदरा हाईवे है, जैसे कि आपको बैक कैमरा से दिखाते हैं। ये आ गए हम सिदरा हाईवे, और ये मेरी मारुति 800 काफ़ी आगे तक जाती है। चलो अभी फ़ोन रख के गाड़ी चलाता हूँ। अब ये देखो नगरोटा हाईवे पे पहुंच गया हूँ, यहाँ पे हम हो रहे हैं आगे की तरफ है जहाँ पे जाना है, पर यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है आरटीओ कहाँ पे है, कुछ नहीं है यार। क्या करते हैं यार ये, पता नहीं कौन सी डेवलपमेंट हो रही है हमारे यहाँ, कभी कभी बड़ा दुखी करके रखा है यार इन लोगों ने। चलो यार चलते हैं। तो ये रहा ट्राई एरिया, वो लास्ट में बाइक वाला, ये है कार। तो अब जब मेरी ट्राई आएगी फिर बताता हूँ किस हिसाब से निकली मेरी। आई होप कि यार लग तो आसान रही है, निकाल ही लूँगा मैक्सिमम चांसेस, पर कुछ नहीं पता होता। ड्राइव तो बड़ी देर से कर रहे हैं हम लोग, पर कोई नहीं बोल सकते। तो फ्रेंड रिकॉर्ड करेगा उस टाइम, तो मैं उस टाइम दे दूँगा ट्राई। आई होप कि ट्राई हमारी पास हो ही जाएगी। तो मिलते हैं आपको यूट्यूब पे वापस। तो फाइनली बड़ी मुश्किल के बाद, बाइक पे जाने के बाद बड़ी मुश्किल से, जो उन्होंने मांगा मैं फॉर्म लेके आया हूँ, और अब मेरी ट्रायल है, मैं वेट कर रहा हूँ। मेरा 41 नंबर है, और ये ऐसा ही, और क्लास में भी हम बैक बेंचर थे, तो हमारे ऐसे ही रोल नंबर आते थे। मतलब हमारी क्लास में अगर 30-32 बच्चे ही होते थे, उस हिसाब से उतने ही हमारे रोल नंबर भी आते थे। तो आज गाड़ी की ट्रायल है, देखते हैं उसके बाद बाइक की है, ये पास हो जाए। और मैं आपको इसके बाद ये वाला, अगर मेरा पास हो जाएगा ना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप आसानी से कैसे कर सकते हो, ठीक है, जब मेरा पास हो गया। अगर नहीं हुआ फिर मैं कैसे बताऊंगा। तो अभी मिलता हूँ जब मैं उधर पहुँचता हूँ, ठीक है, चलो। तो फाइनली अभी हम प्रेजेंट हैं हमारे आरटीओ में। तो ये आरटीओ में ये छोटे छोटे बच्चे, ये आपको दुआएं देंगे कि आपकी ट्रायल पास हो जाए। तो उसके बाद आप इनको कोल्ड ड्रिंक या बिस्किट खिलाना पड़ेगा। तो आप जब भी आओ तो प्लीज़ छोटे छोटे प्यारे से बच्चे हैं, इनको ज़रूर खिलाना। तो आप कुछ बोलना चाहोगे तो बोलिए, बोलो जैसे आप भगवान करेगा पास हो जाओगे। देखो कितने प्यार से इन्होंने बताया, और यही हैं क्योंकि सारा सुनसान पड़ा, सिर्फ यही हैं दो, यही तीन। तो अभी हम सोच रहे थे कि निकल जाते हैं, पर नहीं यार, छोटे बच्चे हैं। चलो ठीक है, बाय बाय। तो फाइनली एट प्रेजेंट मेरी दोनों ट्रायल पास हो गई हैं। तो मेरे टाइम पे आरटीओ आ गए थे, और शायद यहाँ पे वीडियो बनाना बैन है, इस वजह से वहाँ पे नहीं बनाई ट्रायल बनाते हुए। तो मेरी दोनों ट्रायल पास हो गई है, तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। तो अब मुझे लगता है कि वीडियो चलानी है नहीं चलानी, वो देखना पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, चलो। आरटीओ आया था जब रुका पहले, तो आज पता नहीं कितने सालों के बाद किसी के पीछे बैठा हूँ, तो बड़ा अजीब सा फील हो रहा है और मज़ा भी आ रहा है। तो आई होप कि आपको आवाज़ आ रही हो मेरी, और मिलते हैं आपको आगे जाते हुए।
यहाँ तक देख ली हुई है तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए लाने वाला हूँ कि जितने भी एडवेंचर व्लॉग हैं जम्मू में, जितनी भी स्ट्रीट फूड और जितने भी सही सही खाना है वो, और मोटर व्लॉग स्पेशली, और जितनी भी एडवेंचरस जगह है ना जम्मू की, आपको सारी दिखाऊंगा। और जम्मू के बाहर जब हमें मौका मिलेगा क्वारंटाइन के बाद, वो भी आपको मिलेगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया और आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग और लाइक ज़रूर करते जाना। अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर भी कर देना। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद।